अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हालिया सैलाब ने ये रहा इलाका सब तो ज्यादा मुतासर थे। तुसा दिठे तकरीबन पूरी तहसील इसा खैल च हर जहा ते नुकसान थे, लोगों दी फसलां तबाह थईं, घर तबाह थईं, और उस तो अलावा माल मवेशियों को नुकसान पहुँचा है। लेकिन मेन जिससे ये इलाके सब तो ज्यादा नुकसान थे, लोगों ने घर तबाह थी, इतने ठीक ठाक लोगों का नुकसान थे। वांडा सुल्तान आला असा इतने मौजूद हाँ, वांडा सुल्तान आले इतने सैलाबी पानी की वजह तो, बारिशी पानी की वजह तो लोगों ने काफ़ी ज्यादा नुकसान थे, बल्कि तकरीबन पूरा वांडा कोई ऐसा घर नहीं बचा जरा सलामत हो या ठीक हो। तकरीबन हर घर इस तो मुतासर थे और हर घर इतने तुसा देखने पे हो, इसने थको रिकॉर्डिंग मनाजिर भी दिख लेने पे। तकरीबन हर जहाते जरा इतने नुकसान थे, उस तो अलावा इतों ने मकामी लोगों नाल भी असं थोड़ी गलबात करवाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप जो इधर बताएंगे थोड़ा तफसील के साथ, क्योंकि आप इधर से मकामी हैं, पानी जिस तरह इधर तबाही किया है और इस हवाले से। यार ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कुदरती आफात आते रहते हैं जिस तरह कौमों पर, हमने इतने हिस्ट्री में इतने ऐसे मतलब नागहानी आफात नहीं देखी जिस तरह ये आई हैं। देखिए हमारे ना कोई मकान बचे हैं, जमीन सारे मकान मवेशी हैं, देखिए हमारे तक तो हलाकतें भी हुई हैं, तो कुछ भी नहीं बचा। हुकूमती लोग भी आ रहे हैं हमारी मतलब नोटिस में, उनकी एसी साहब आए थे, डिप्टी कमिश्नर मानो साहब, तो वो अभी तक सर्वे जारी है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अरे यहाँ तक कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। जो अपने इलाके के आसपास के जो लोग हैं, खासकर खटक बरादरी को हमारे साथ तावन कर रहे हैं खाने पीने की शय में सुबह हो या शाम। अच्छा। बाकी हुकूमत की तरफ से हमें कोई खास अभी तक सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हमारे पास अभी कोई मकान भी नहीं है कि रात गुजार सके। कोई किधर पड़ा हुआ है, कोई किधर पड़ा हुआ है। तो मेरी मीडिया के थ्रू, चैनल के थ्रू अपील है हुकूमती इदारों से भी और मुतल्लिका जो शख्सियात उनसे भी कि हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे पास हालात बहुत ख़राब है। आप देख रहे हैं ऐसे कोई मतलब ना मकान बचा है, माल मवेशी सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये जो कैंप लगाया हुआ है इधर गवर्नमेंट की तरफ से जी, तो ये तकरीबन आज तीसरा चौथा दिन है इसको, तो इससे पहले भी कोई हेल्प हुई है, कोई टेंट वगैरह या कोई राशन वगैरह मिला है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला सरकार की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिली। सिर्फ आज आए चौथा दिन है ये, पहले तीन चार दिन हम इसी तरह रुलते रहे हैं, कोई हुकूमत की तरफ से ना कोई सपोर्ट मिली है ना कोई हेल्प मिली है। बस आते जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, सिर्फ फोटोग्राफी वो बस स्टार्ट हुआ है। सिर्फ आज कुछ बंदे आए हैं, अभी आए हैं, क्योंकि हम इधर काम शुरू किया हुआ है, तो सिलेटर पर उधर हम नहीं गए। बाकी जो तीन चार दिन गुजर गए हमें कोई नहीं आया हेल्प करने। ये जो एक्सीवेटर के साथ बांध लगा रहे हैं, ये अपना कमेटी का की तरफ से है कि ये सरकारी है कि आप कमेटी अंदर कमेटी या एनजीओ वगैरह से? ये हमें कुछ हमने खुद कुछ चंद इकट्ठा किया हुआ है, कुछ मतलब कमेटी की तरफ से भी है और गवर्नमेंट की तरफ से, सब ने ये सब मिल कर ये कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने अभी तक कोई सही एक्शन नहीं लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तान वाला तो थको ये मनाजिर दिख लेने पे तकरीबन जी तुसा डिठे इसी पूरी तहसील इसे खेल मुतासर थी है। लेकिन सब तो ज्यादा ये रहा इलाका इस तो मुतासर थे वांडा सुल्तान आला, तकरीबन इतने जानी नुकसान थे, माली भी नुकसान थे, और अचानक यानी कि इतने अरसे तो बाद इतने कोई इस तरह ना अडवाला या पानी आवी हाथ मखसूस थोड़ा जे तादाद जाके यानी रूटीन वाइज चलना है। लेकिन एक इम्तिहान आई, अजमैश आई अल्लाह ताला की तरफ इन लोगों से। तुसा डिठे मुकम्मल मुकम्मल तौर पर वांडे सुल्तान आले ना कोई ऐसा घर नहीं बचा जरा सलामत हो। तकरीबन हर घर इस तो हर फर्द इस तो मुतासर थे, और जी थोड़ी मैं गलबात भी करवाना पा मकामी लोगों नाल, उन्होंने ये आखना है कि सारी अपनी जी खटक बिरादरी है उन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं, तो उन्होंने थ्रू साको राशन ही मिलना पाया, इतने त्रीजा दिहाड़ा है, और उन्होंने थ्रू साको कोई रहायश भी मिलनी पई है। बाकी गवर्नमेंट की तरफों ना कोई ऐसी सहूलत साको मिली है कि सारा सामान शिफ्ट किया आज कैंप पास है, और ना ही कोई साको राशन मिला इतने, और ना ही यानी कि विजिट थी ने पैन तस्वीर बननिया सोशल मीडिया से एक्टिविटी थी नहीं पई है कि सुल्तान आले तो फलाना विजिट हो गया फलाना, लेकिन कोई उसना यानी कि बेनिफिट या फायदा नहीं मिला। लेकिन आई तो असा इतने आके डिठे जी जो तुसा देख नहीं पे मनाजिर,
एसी साहब मौके ते मौजूद हैं और इन्हां लोगों वास्ते ना भी इंदराज थीने पैन और उन्होंने नुकसान भी इंदराज थीना पे कि कितना नुकसान थे या कितनी इन्होंने यानी कि माली होते या इन्होंने इमदाद की थी वजह उस तो इलावा हेल्थ ना भी कैंप इतने तुसा देखने पे हो हेल्थ ना भी कैंप लगा हुआ है उस थे यानी कि डॉक्टर भी मौजूद है और लाइफ स्टॉक ना भी अमला इतने मौजूद है उस तो इलावा टेंट भी मिलने पैन इतों नहीं यानी कि जेरे घर मुतासर थे उन्होंने मकीना को टेंट नहीं सहूलत एक कैंप हाउस जहाँ बनाए सुन इतने टेंट उन्होंने दिते सुन और उस तो इलावा इन्होंने जेरे है ना माली इमदाद ही की असी इन्होंने इंदराज करने तो बाद यानी कि जितनी इसनी तफसीली सर्वे एक थी ना पे उस तो बाद इस हिसाब ना कहना तो उस तो इलावा तुसा देखने पे आओ मौजूदा सूरत हाल अगर डिठी आज तो यह वांडा तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह थी चुका है इतने कोई ऐसा घर नहीं बचा जरा ठीक हो सलामत हो इसने तुसा लाइव ड्राउने मनाजिर भी इस टाइम देखने पे आओ तकरीबन जिस को क्लीयरली ये नज़र आ सी कि वांडे सुल्तान आले ना इतने काफ़ी हद तक ज्यादा नुकसान थे और सारी गवर्नमेंट ने अगो अपील ये हालांकि एसी साहब इतने मौके पर मौजूद हैं उन्हें आई तो तकरीबन त्री झरियाड़े एक्शन किए और इतने कैंप भी ला दिता ने असा होर भी इस तो उम्मीद कर सा कि मजीद इन्होंने हेल्प की जाए और जेरी ये कुदरती आफात इन्होंने आईए तो इन्हों इस इन्होंने मुकम्मल मुकम्मल इमदाद की जाए मजीद भी थोड़ी गलबात करवाने जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी तुसा दसे सो तफसील नाल पहले दिन तो खेन के आज तक के रूटीन रही अल्हम्दुलिल्लाह सर जी अस्सलाम वालेकुम बहुत अच्छा सर जी हुकूमत ने एक्शन लिया है जी और जो कि सबका हमारा एमपी मानतुल्लाह खान शादी थे जी जिन्होंने ये कम से कम डेली दो विजिट लेते हैं सर जी जो बड़ोज नाले का मेन मकसद पानी का था सर जी जो वांडे पे आया था सुल्ताने वाला पर और उस पानी के लिए उसने हमारे साथ बहुत ताउन किया है सर जी ये जो एक्सीवेटर चल रहा है ये उन्होंने भेजा है कोई और एमएनए एमपी ने नहीं भेजा सर जी क्योंकि उन्होंने हमें आज एमड भी कर दी एक्सीवेटर का एसी साहब से और एसी साहब और सब हमले को उन्होंने सख्त एक्शन के साथ कहा है कि इधर कैंप लगाएं और टेंट दें और उनको अपनी जो भी अद्वयात हैं वो दे दें सर जी अच्छा, अच्छा। और अमानतुल्लाह खान शादी खेल बिल्कुल हमारे साथ अच्छा ताउन कर रहा है सर जी इस मौके पे अच्छा। जो भी काम हो रहा है क्योंकि वो हमारा सबका एमपीए एमपीए लेकिन वो अच्छी तरीके से सर जी हमें डील कर रहा है पूरे वांडे को ये नहीं है कि सिर्फ मेडिकल इधर भी कैंप लगाया हुआ है और जत्ता वाला पे सर जी लगाया हुआ है इधर उसके अलावा ये जो टेंट वगैरह भी मिल रहे हैं टेंट तकसीम हो रहे हैं सर जी पहले दिन से तकसीम हो रहे हैं जिन जिन लोगों के बिल्कुल मुकम्मल घर तबाह हुए हैं और किसी के रिश्तेदार के घर गए हैं उनके लिए टेंट की जरूरत थी वो टेंट उन्होंने दिए हैं सर जी और अभी भी सर्वे जारी हैं जिन जिन लोगों के लिस्टें बन रही हैं सर जी वो दे रहे हैं सर जी फिलहाल तो इतने बन चुका है लोगों ने जितना नुकसान थे काउंट थी ना पे उस तो इलावा लोगों के टेंट ही तकसीम थी ने पैन इस तो इलावा हेल्थ नहीं सहूलियात ही इतने लोगों को मिलनिया पे कुदरती आफत ही यानी कि इम्तिहान नहीं घड़ी आई और इतने लोगों ने यह आखना है कि अमानतुल्लाह खान शादी खैर मौके पर एक दू विजिट ही की थे और उस तो बाद गवर्नमेंट ने नुमाइंदगान को उन्हें सख्ती नाले अहकाम जारी किए कि इतों ने लोगों ने हेल्प की जाए और इतों ने जरा ये नुकसान थे इस इन्होंने इमदाद की जाए इन्होंने टेंट दी जाए इन्होंने मवेशिया वास्ते वंडा वगैरह वो दिता तुसा इतने देखने पे हो इतों ने लोगों ने वास्ते यानी कि राशन नहीं प्रॉब्लम है क्योंकि इन्होंने तकरीबन पानी नहीं वजह तो हर चीज़ लुढ़ गई है एक चा अपनी जबान चखा तो इन्होंने राशन वास्ते खुराक वास्ते अगर कोई सरकारी नुमाइंदगान देखने पे जो मौके पर मौजूद भी हैं ऐसी ई इन्होंने जरूरियात ही पूरी की जब दीगर कोई एन जी ओ जो वेलफेयर देखना पे तो वांडे सुल्तान वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान थे इन्होंने ये यानी कि इन्होंने इस मुश्किल घड़ी इमदाद की मजीद रिपोर्ट तक साढ़े चैनल नाल जुड़े रहो सरैकी के एम टी वी पहले दिन तो सैलाब ने हवाले नाल थोको अपडेट देने पाया अगली रिकॉर्डेड या लाइव वीडियो तक हमार उस्ताद को इजाजत दे सो दाला पामा।